मध्य प्रदेश के सतना जिले के नया गाँव थाना क्षेत्र जो जानकी कुंड क्षेत्र है उधर आता है, वहां से उन बच्चों का अपहरण हुआ है। बांदा पुलिस ने तो उनकी बरामदगी की है, और मरका थाना क्षेत्र के यमुना नदी से उन बच्चों की बरामदगी हुई है। आज पीएम हुआ है, बच्चों के माता पिता मिले। क्योंकि इसमें जितनी भी कार्रवाई करनी है वह मध्य प्रदेश में जो FIR रजिस्टर्ड है, यहाँ भी जो भी संभावनाएं बन सकती होंगी, यहाँ की पुलिस मेरी बात हुई है तो जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। घटना चूंकि मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश का स्थानीय प्रशासन अगर इतना जागरूक होता, जैसा कि बच्चों के माता पिता ने इस चीज़ को बताया कि दो दिन तो उन्होंने वहीं चित्रकूट में ही रखा, घटना स्थल से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की परिधि में ही बच्चे 2 दिन रखे गए, तो अगर वो लोग त्वरित कार्रवाई करते, बच्चों की बरामदगी कर लेते तो आज इतनी बड़ी घटना सामने नहीं आती। समाज में इस तरीके के गंदे कृत्यों का कहीं कोई स्थान नहीं है। मैं तो मांग करूंगा मध्य प्रदेश सरकार से कि इन पर इतनी भीभत्स कार्रवाई हो कि वो एक नज़ीर बन जाए और दोबारा इस तरीके का कोई अपराध करने की हिम्मत और साहस नज़र। चित्रकूट में 2 मासूम छात्रों के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई। देर रात उनके शव बांदा के मरका थाना क्षेत्र के यमुना नदी के घाट से बरामद हुए हैं। इस समय मैं पोस्टमार्टम हाउस में हूँ। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोगों का यहाँ पर हुजूम है, कई पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सपा, BSP या तमाम अन्य संगठन जो हैं उनके लोग मौजूद हैं। लोगों में खासा आक्रोश है इस घटना को लेकर। लोगों ने लाइन ऑर्डर पर भी तमाम सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से 12 फरवरी को घटना हुई और इतने दिन तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची और अंततः बच्चों का अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई। बांदा से आनंद तिवारी, ETU भारत।